हेलो एवरीवन, हेलो फार्मासिस्ट। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के ऑल सब्जेक्ट्स के मैंने अपलोड कर दिए हैं, और अब आई है बारी डी फार्मा सेकंड ईयर वालों की। तो मैंने यहाँ पे फार्माकोलॉजी, लॉ एंड इथिक्स और बायोकेमिस्ट्री एंड फार्माकोथेरेप्यूटिक का अपलोड कर दिया है। अब बारी आई है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में बहुत ही स्टूडेंट्स की बैक लगी हुई है, बहुत ही ज्यादा। तो आप सभी लोग इस सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा हल्के में मत लें, बहुत ही अच्छे से कवर करें इन सभी क्वेश्चंस को, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे आप लोगों का ही प्रॉफिट है, और कौन से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं यहाँ पे ये भी डिस्कस किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हो, यहाँ पे आपके सीनियर्स का क्वेश्चन पेपर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मैंने बहुत ही आराम से आपके न्यू सिलेबस से ढूंढे हैं। क्योंकि टाइम लगता है, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी आप लोगों की, मैंने कल बोला था। तो टाइम लगता है हर चीज को करने में, किसी काम को अच्छे से करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको मैंने बहुत ही ध्यान से ढूंढा है कि कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और हॉस्पिटल फार्मेसी में बहुत से स्टूडेंट्स की बैग लग जाती, इस वजह से थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ा मेरे को इस सब्जेक्ट्स में। क्योंकि क्यों है, क्या रीजन है कि हॉस्पिटल फार्मेसी में स्टूडेंट्स की बैग लग जाती है, क्यों नहीं अच्छे से कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो बनाए ही हैं, और साथ में मैंने लिया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको हॉस्पिटल फार्मेसी का क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड है, इम्पोर्टेंट है, और इधर इंग्लिश में है और इस तरफ हिंदी में। तो दोनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, और आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर कोई कंफ्यूजन रहने, कमेंट ना हो, आपके कमेंट का रिप्लाई तो आपकी दीदी दे ही देती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे प्लीज आई रिक्वेस्ट यू लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर इसलिए लिया है क्योंकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बी सेक्शन में। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्यूबरक्लोसिस, एपिलेप्सी, ऐसे ही डिसीज के बारे में बताना रहता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर को साइड में करते हैं पहले अभी, और फिर देखते हैं आपके लिए जो मैंने बनाए हैं न्यू सिलेबस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये एग्जाम में काफी बार आए हैं, और इन सभी क्वेश्चंस की आपको लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। और सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन को ऐसे ही जल्दी में पढ़ लिया और फिर उनका आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और क्वेश्चन में पूछा कुछ और जाता है और आंसर कुछ और रहता है। इस वजह से क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखना है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। स्कोप ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के क्या क्या स्कोप है फार्मेसी में, ठीक है, और इंडियन सिनेरियो। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, लिख लिख के जरूर प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा कि आप लोग का टाइम बचेगा, और एग्जाम में टाइम बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टाइम को अपने कैसे मैनेज करना है, वीडियो बहुत सी बना रखी है, आप चैनल पर जाओगे तो आपको जल्द ही अपलोड मिलेंगी, क्योंकि बहुत दिन नहीं हुए अपलोड किए हुए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्लेन डिफाइन स्कोप, फार्मेसी क्या है, फार्मेसी की क्या क्या स्कोप्स हैं, ठीक है, और थेरेप्यूटिक कमेटी क्या है, ठीक। तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अभी मैं यहां से आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी कि क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। राइट अबाउट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल प्रैक्टिस, तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी आएगा ही, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट फोर नंबर क्वेश्चन देखिए, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आया है। और ये फीफा मेथड क्या है, कैसे मतलब गुड फार्मेसी करते हैं, प्रैक्टिस कैसे, तो सारे मेथड्स होते हैं ना, बहुत से मेथड्स होते हैं, तो उनमें से ये फीफो मेथड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया। फिफ्थ नंबर है रेडियो फार्मास्यूटिकल, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंट्रल, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है।
हेमाटोलॉजी टेस्ट क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। शॉर्ट में पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट मेडिकेशन एरर, मतलब कि दवाइयां देने में कैसे एरर हो जाती है, तो उन सभी मेथड्स को लिखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आया है। राइट अबाउट हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होती है, एग्जाम में काफी बार आया है। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क भी किया है क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार आया है। अभी मैं क्वेश्चन पेपर में भी दिखाऊंगी कि ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी डेवलपमेंट इन अदर्स कंट्री, जैसे कि फार्मेसी के क्या क्या स्कोप्स हैं और डेवलपमेंट कैसे रहता है, कैसे डेवलपमेंट किया जाता है अदर कंट्रीज में। इमरजेंसी ड्रग 10 नंबर, इमरजेंसी ड्रग एंटीबायोटिक गिव एग्जांपल, जैसे कि पॉइजन हो गया, इमरजेंसी ड्रग है ना, तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एड कर सकते हैं एक फार्मासिस्ट भी। तो इमरजेंसी ड्रग क्या है, एंटीबायोटिक्स पता होने चाहिए, एग्जाम में लिखने को काफी बार आया, ईच एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दो टाइप से किया जाता है, ठीक है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, तो यहाँ पे दो टाइप से लिखा हुआ है। एक होता है ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब कि जो हॉस्पिटल के बाहर है उनको दवाइयां कैसे देनी है और जो हॉस्पिटल के अंदर है उन्हें कैसे दवाइयां देनी। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, तो ये आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है और ये एग्जाम में जरूर ही आएगा, तो इसको अच्छे से कम्प्लीट कर लेना है क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट है एडमिक्सचर सर्विस एंड इनकॉम्पेबिलिटी, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि मशीनों से जो हेल्थ होती है, हेल्थ चेकअप होते हैं, उनका कैसे रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, मतलब कि कैसे डिलीवरी जो होती है लेडीजों की, उनके मतलब हेल्थ डिलीवरी सिस्टम क्या होता है इंडिया में, कैसे होता है, इसके बारे में बताना है, अच्छे से पूछा जाएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन, हॉस्पिटल कितने टाइप्स के होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आपको लिख लिखने प्रैक्टिस जरूर कर लेनी। फंक्शंस क्या रहते हैं और मॉडर्न हॉस्पिटल कैसे होते हैं, क्या चार्जेस रहते हैं, सब कुछ आपके एग्जाम कॉपी में पूछा जाएगा। तो आप और नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और फार्मेसी सर्विस क्या है इन हॉस्पिटल में, जो फार्मासिस्ट होते हैं, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट होते हैं, तो उनकी कैसे मतलब जॉब रहती है, क्या करना रहता है हॉस्पिटल में, फार्मेसी सर्विस क्या है, ठीक है, उनका क्या क्या वर्क रहता है, क्या सर्विस देना रहता है हॉस्पिटल को फार्मासिस्ट से, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कहा गया है हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी की गाइडलाइंस क्या है, गाइडलाइन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इस बार भी आएगा। और सर्जिकल ड्रेसिंग कैसे होती है, इम्पोर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। और ड्रग इंट्रैक्शन कैसे हो जाता है बॉडी में, जैसे कि कोई दवाइयां खा लेते हैं ना, तो ड्रग इंट्रैक्शन कैसे हो जाता है, इम्पोर्टेंट है, इसके टू टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ड्रग इंट्रैक्शन या ड्रग फूड इंट्रैक्शन, मतलब कि दवाइयों की कैसे लड़ाई हो जाती है और दवाइयों की फूड से कैसे लड़ाई हो जाती है, मतलब नुकसान कैसे कर जाते हैं। तो ये ड्रग इंट्रैक्शन और ये फूड वाला बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर ये वाला पूछा गया, लेकिन आपको दोनों पढ़ लेना है, नहीं तो मैं यहाँ पे ये रटा दूं आपको, फिर ये आ जाए तो फिर आप जैसे दोनों आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है कुछ डिसीज हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे क्वेश्चन पेपर में दिखाया ही था, इम्पोर्टेंट डिसीज, आपको इनको जरूर पढ़ के जाना है। हाइपरटेंशन हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, डायबिटीज हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, एपिलेप्सी, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके फार्माकोलॉजी फार्माकोथेरेप्यूटिक में, ये सब रिपीट हुए हैं, तो आपको यही बार बार रिपीट हो रही है, तो आपको एक ही जगह अच्छे से पढ़ लेना है और वो एक ही जगह आपको तीन चार सब्जेक्ट में क्वेश्चन पेपर में काम आएंगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आइए बात करते हैं हम लोग की हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपसे
प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल फार्मेसी यूनिट हॉस्पिटल, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको अभी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में दिखाया ही था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। राइट अबाउट डिफाइन मैथड, इम्पोर्टेंट है ये भी इम्पोर्टेंट, लेकिन ये वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। वॉट आर द रिस्पॉन्सिबल फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल कम्युनिटी फार्मेसी, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, एग्जाम में काफी बार आया। और डिस्कस कंपोजिशन फंक्शन PTC, मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है और ये एग्जाम में आएगा भी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखिए जो मैंने यहाँ से कवर करवाए हैं ना प्रीवियस, इधर से आपको कवर करवाए तो वही सब है, नहीं तो आप लोग कहोगे दीदी मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस हो गए हैं, तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है, बस लर्न करना है। और यहाँ पे देखिए मैंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी पूछा जा सकता है, सर्जिकल ड्रेसिंग की बात की थी और यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, ये नया है आपका। और ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस, मतलब वही फार्मासिस्ट की क्या रहती है सर्विस, अब फार्मासिस्ट को दवाइयों के बारे में तो पता ही होना चाहिए सभी को, है ना। अब हॉस्पिटल फॉर्मूलरी वही रिपीट हो रहा है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। सर्जिकल ड्रेसिंग रिपीट हो रहा है आपका क्वेश्चन, और होटल एंड रिटेल फार्मेसी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे डिसीज के बारे में देखिए, ट्यूबरक्लोसिस एपिलेप्सी डायबिटीज इम्पोर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। डिफाइन स्क्योप क्लिनिकल फार्मेसी रिपीट हो रहा है वहीं से क्वेश्चन आपका, ठीक है। और जर्नल प्रिंसिपल ट्रीटमेंट पॉइजन क्या है, ये पॉइजन वाला आपको डिसीज और इसकी दवाइयों के बारे में आपको जरूर पढ़ लेना, एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। फिर आप कमेंट करके बताओगे भी कि हाँ दीदी ये क्वेश्चन आया था। और डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग बायोबिलिटी, ये भी एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स रहते हैं दीदी हिंदी में भी क्वेश्चन पेपर दिखा दीजिए, तो देखिए हिंदी में भी आपका क्वेश्चन पेपर ये है और आपको मैं ये टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अस्पताल में हॉस्पिटल फार्मेसी इकाई, मतलब वही इंग्लिश में ही है, कन्वर्ट है के बारे में, ठीक है। और या PCT संरचना, हॉस्पिटल में जिम्मेदारियां क्या क्या रहती हैं फार्मासिस्ट की, तो वही सब है, इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को प्रेस करके देख सकते हो आराम से, ठीक है। और इसका PDF क्या, हमारे फोन पे PDF बन ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब फोन चेंज करना है, मेन बात यह है कि PDF बन नहीं रहा है, इस वजह से मैं PDF सेंड नहीं कर पाती हूँ। और आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के, तो मैं फोटो ही जो हो पाता है वही अब करूंगी, क्योंकि PDF नहीं बन पा रहा है तो कहाँ से बनाया जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और इनको जरूर तैयार कर लेना अगर एग्जाम में पास होना चाहते हो, क्योंकि एग्जाम में इस सब्जेक्ट में बहुत से स्टूडेंट्स की बैक लगती है, आपको तैयार जरूर कर लेना है। और वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कोई कंफ्यूजन है कमेंट ना हो। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो। और चैनल पे नए हो तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब।